और केदारनाथ से बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, उस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता का धन्यवाद किया है और बताया है कि अंततः जो है वो सरकार के काम की जीत हुई है और केदारनाथ सीट पर बीजेपी की जीत जनता के लिए एक बड़ी बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो अब पूरी होगी क्योंकि अब वहां का चौमुखी विकास होगा। आशा नौटियाल वहां से जीत गई हैं, 5000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। केदारनाथ से आशा नौटियाल की जीत हुई है, 5623 वोटों से जीती हैं आशा नौटियाल, बीजेपी की प्रत्याशी, केदारनाथ सीट जीत गई है। इससे पहले आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट, अयोध्या सीट पर जो विपक्षी पार्टी की जीत हुई थी उसे लेकर एक परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा था कि देखिए राम नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए किया बीजेपी ने, और इन तमाम सीटों पर जहां की भावना पूरी तरीके से राममय है और जहां पर बड़े दावे हैं वो सीटें हार गई, और इसलिए केदारनाथ सीट बीजेपी की नाक का सवाल बनी हुई थी और अब केदारनाथ सीट बीजेपी जीत गई है। इस बीच यूपी से एक बड़ी खबर, कटहरी में बड़ा उलटफेर हो गया है, बीजेपी प्रत्याशी यहां से आगे हो गए हैं। यहां पर अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, अब एक बार फिर से भाजपा यहां से आगे हो गई है, 1352 वोट से धर्मराज निषाद आगे हो गए हैं, एसपी प्रत्याशी पीछे हो गई हैं। अभी तक एसपी प्रत्याशी आगे चल रही थी, कटहरी में यह बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि जब काउंटिंग शुरू हुई तब भी भाजपा आगे थी लेकिन फिर सपा आगे हो गई, अब एक बार फिर से बीजेपी के आगे होने की खबर है। और हमारे सहयोगी मनीष वर्मा इस पर अपडेट दे रहे हैं। जी मनीष, विस्तार से बताइए पूरा आंकड़ा। ये देखिए, जब सुबह काउंटिंग शुरू हुई तो भाजपा दो राउंड में आगे चल रही थी, दो राउंड के बाद भाजपा का ग्राफ घटता गया और सपा धीरे धीरे आगे बढ़त बनाती गई और 11वें राउंड तक आते आते भाजपा ने फिर बढ़त बना लिया। इस समय 13वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, लगभग 14वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई जिसमें लगभग भाजपा 3300 वोटों से आगे चल रही है। लास्ट अपडेट अभी आया है कि 14वें राउंड की काउंटिंग हो गई जिसमें भाजपा के प्रत्याशी धर्मराज निषाद 3300 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो 1300 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं धर्मराज निषाद, 1352 वोट से धर्मराज निषाद आगे हैं। कटहरी में ये बड़ा उलटफेर हो गया है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी जो अभी तक 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी, इससे पहले वो सीसामऊ सीट जीत चुकी है और कटहरी में अब पीछे हो गई है। दानिश आजाद कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। हम तत्परता से काम करेंगे ऐसा जनता को पूरा विश्वास देते हैं। सर, समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं और भी कई, उनका कहना है कि दोबारा से इलेक्शन भी कराया जाए, ये भी कहा गया। देखिए, समाजवादी पार्टी वो जानती है कि जनता एक सिरे से समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है और झूठ की जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जनता को गुमराह करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, जनता ने इस उपचुनाव में अपना जो साथ भारतीय जनता पार्टी को देके साफ स्पष्ट बता दिया है कि जनता को विकास पे विश्वास है, तरक्की और उन्नति पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी योगी सरकार पे विश्वास है। इन 9 सीटों पर जिस तरह के फिगर सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि जो सीएम योगी ने नारा दिया था वो नारा जनता के बीच में काम कर रहा है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए काम किया है, यहाँ के विकास के लिए काम किया, उन्नति के लिए काम किया है, भाईचारे के लिए काम किया है और यकीनन ये जो उपचुनाव में जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ये विकास की जीत है, हमारे ऊपर जो विश्वास है जनता की उसकी जीत है, हमारा जो सकारात्मक काम है उसकी जीत है। इस उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा था, तो 2027 में भी क्या इससे बेहतर परिणाम रहेंगे? देखिए, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, हर मैच जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से प्रदेश के लिए, जनता की सेवा के लिए, देश की उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम किया है। ये एजेंडा जनता को मालूम है कि योगी सरकार का एजेंडा केवल और केवल विकास है और हमारे एजेंडे पे जनता को विश्वास है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये है हमारे साथ मंत्री दानिश आजाद जी, जिनका कहना है कि उपचुनाव में जिस तरह के फिगर्स सामने आए हैं उसके बाद में ये कहना सही होगा कि जो बीजेपी है वो बड़ी जीत हासिल करने वाली है और इसी तरह से 2027 के चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी ओर जो जनता का रुख है वो रहने वाला है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। तो एसपी प्रत्याशी पीछे हो गई है कटहरी से, कटहरी में बड़ा उलटफेर हो गया है और कटहरी में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बिलाल खान साहब जुड़े हुए हैं।
बिलाल खान साहब, सीसामऊ से समाजवादी पार्टी जीत गई है, कटहरी में पीछे हो गई है, अभी तक आगे चल रही थी, और कुंदरकी में बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले तो, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस, दो सीटों पे समाजवादी पार्टी, एक सीट पे तो लगभग जीत ही गई, दूसरी पे भी अनाउंस हो जाएगा तेज प्रताप जी की सीट पर। लेकिन जो मुद्दे हकीकत में, अभी मंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों ने भी वोट दिया है, तो मैं अब ये आग्रह करूंगा योगी जी से भी और उनके मंत्रियों से भी, जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिद को खोलने का काम कर रहे हैं, जो लगातार 80-20 की शमशान कब्रिस्तान की बात करते रहे, जो कटेंगे बटेंगे अब ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उनको माइनॉरिटीज ने वोट दिया है, मुसलमानों ने वोट दिया है। उन्हीं के नेता ने अभी बयानबाजी करके बताया था कि मुसलमानों ने हमें बहुत अच्छा वोट दिया है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो जीत की बधाई भी देता हूँ और कहता भी हूँ कि जो ये मुद्दे उठाए जाते हैं बेफजूल के, हिंदू मुसलमान वाले जो होते हैं, जिसपे लगातार ये आगे नेम प्लेट की बात करके कि ये इस पर नेम अलग होना चाहिए, होना चाहिए, ये अब नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है मुसलमान भी आपको साथ दे रहा है तो वो आपकी तरफ देख रहा है, तो आपको भी उनकी तरफ देखना पड़ेगा। और ये अच्छी जीत है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत शानदार जीत बीजेपी की, वो भी मुबारकबाद है, और झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस को जीत हुई, उसको भी मुबारकबाद देते हैं। कहीं ना कहीं कमियां तो रही है इंडिया अलायंस की, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी बयानबाजी करते रहे कि ये है और वो है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हमने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो बातें होती हैं कि सबका साथ सबका विकास फलाना, वो तो बीजेपी करती है, वो तो अलग हो गया, लेकिन अखिलेश यादव जी जो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट कुछ मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा ही था कि हम इतनी सीटों पर जीत जाएंगे, ये उसको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीखना होगा, आगे चीजों को अच्छे तरीके से आगे और भी काम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों के बीच में जाकर कि हमें कहां कहां हमारी चूक हुई है। लेकिन भाजपा को भी अब कहीं ना कहीं मुद्दों से हटकर असल की राजनीति करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात करनी थी, जो असल मुद्दे हैं जिनसे देश के लोग या उत्तर प्रदेश की जनता आगे चलती है, वो बात करेंगे तो बहुत फायदा होगा आगे जाकर भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जो वोट है, वोट बैंक जहाँ ये सीट पर दिखाया गया है कि 65% मुस्लिम्स हैं और वहां बीजेपी जीत गई है, तो वहां कहीं ना कहीं मुसलमानों ने वोट दिया है, तो आपको भी उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो यही बात है कि इन मुद्दों को छोड़ के जो असल मुद्दे हैं उन पे राजनीति होनी चाहिए, और उन पे बात करेंगे तो आगे जाके आपको और फायदा होगा। जो नफरती बात करते हैं उन पे बैन करना चाहिए, चाहे नरसिम्हन सरस्वती हो या उत्तर प्रदेश से ऐसी आवाजें आती हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होती हैं, पर उसको रोकने का काम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर करेंगे तो आपको और भी फायदा होगा, माइनॉरिटीज का खुलेआम साथ मिलेगा, मुसलमानों का वोट मिलेगा आपको, और अच्छी तरीके से जीत भी, और भी अच्छी जीत आपको हर उसमें होगी, ठीक है, और सीटों पे भी। अशोक यादव जी, अब आकलन का वक्त है कि क्या कमियां रही। कमियां जो भी रही समाजवादी पार्टी उसको रिव्यू करेगी, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हमें जहां भी अपनी कमी दिखेगी हम उसको नट बोल्ट उसके टाइट करेंगे, वो दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत यह है कि जिस तरह से बुलेट और बैरिकेड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ पे जीतने की कोशिश कर रही है, और कहीं कहीं उसका सफल भी हो रहा है ये फार्मूला बुलेट और बैरिकेड्स वाला, तो ये चुनाव चूंकि आम चुनाव से अलग चुनाव होता है, ये सबको पता है कि इसमें प्रशासनिक दुरुपयोग कितना होता है, और भारतीय जनता पार्टी मल्टी लेवल चीटिंग एक स्कीम इनकी है, हर लेवल पे चीटिंग करो, चाहे बीएलओ की जब माध्यम से वोट कटवाने का मामला हो, चिन्हित करके वोट कटवाए जाते हैं समाजवादी पार्टी के वोटरों के, उसके बाद वोट कटवाने के बाद दूसरी चीटिंग शुरू होती है उनकी बैरिकेटिंग और बुलेट वाली, कि बैरिकेट लगाओ बुलेट से डराओ, और तीसरी जो चीटिंग होती है मतगणना स्थल पर होती है धांधली करवाओ। तो ये मल्टी लेवल चीटिंग का जो स्कीम भारतीय जनता पार्टी की है, इस स्कीम की कहीं कहीं जीत हो रही है, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये आम चुनाव नहीं है, ये चूंकि उपचुनाव है, और उपचुनाव में जो योगी सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक